गुड मॉर्निंग बच्चों, कल मैंने आपको अंत में एक फॉर्मूला बताया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है। ठीक है, ये सूत्र तो आपको पता है आ गया, लेकिन ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। चलो वो देखते हैं। देखो ये हो गया आपका ग्राफ, क्या हो गया, और ये हो गया मूल बिंदु। ओके, इसके निर्देशांक है 0, 0। अब मान लो कोई एक रेखाखंड है, ठीक है, इसका पॉइंट ए ये है, बी ये है, इसके निर्देशांक हैं x1 y1, इसके निर्देशांक हैं x2 और y2। ओके, अब हमें क्या निकालना है, दूरी सूत्र व्युत्पन्न करना है। इसके लिए हमें कुछ अपनी तरफ से इसमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। ऐसे तो हम पता नहीं लगा सकते कि ये है, इसके बीच की दूरी इतनी है। वो सूत्र व्युत्पन्न करने के लिए हमें कुछ इसमें रचना करनी पड़ेगी, वो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले जो एक्स एक्सिस है, वहाँ से ए से लेकर एक्स एक्सिस पर क्या करना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा। ये लो, वहाँ पर हमें एम लिखना, ठीक है। फिर बी से भी यही काम करना पड़ेगा, ये लीजिए सर, हो गया। दूसरा काम क्या करना है, ए से वाई एक्सिस पर कोई लंब डालना पड़ेगा, डाल दिया, इसको हमने नाम दे दिया पी। ओके, यहाँ तक की बात कंप्लीट। और ए से जो बी और एन का लंब डाला है उस पर एक लंब और डालना पड़ेगा, और यहाँ पर नाम लिखेंगे हम ए बी सी। यहाँ तक का काम कंप्लीट। अब देखिए, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से एक्स एक्सिस पर चलने पर एक्स का मान होगा, ठीक है, तो वो क्या मान देगा आपका, वो मान देगा ए तक है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x1, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, x1, ठीक है। और मूल बिंदु ओ से एन तक की दूरी क्या हो जाएगी, x2। ओके, अब देखिए नीचे से ऊपर चलने पर, क्या होगा, ये दूरी क्या होगी इसकी, कहाँ तक जा रही है, बी से एन, ये दूरी क्या होगी इसकी, y2, क्या हो जाएगी, y2। और जो ए से एम तक की दूरी है हाइट पर, वो क्या हो जाएगी इसकी, y1। कंप्लीट, ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने का नॉर्मल सा चित्र। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्रानुसार, चित्र में क्या क्या दिख रहा है वो सब लिख लो। क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले देखिए पी और ए, पी ए बराबर है किसके, ओ एम के। क्यों है, क्योंकि यह एक आयत का निर्माण कर रही है, और आयत के आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। चेक करते हैं, पी ए बराबर ओ एम, तो यह दूरी क्या हो जाएगी आपकी, x1। ओके, अब आगे देखिए, x2, ओ एन किसके बराबर होगा, पी सी के, पी सी बराबर ओ एन, ये दूरी क्या है आपकी, x2। दो दूरियां, दो निर्देशांक आ गए आपके पास x2 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर 0 से हम कहाँ तक चले, n तक चले, कितना चले, x2 तक चले, ठीक है। अब आगे देखिए, PO बराबर है किसके, CN के, ये दूरी क्या है आपकी, y1, ठीक है। और लास्ट में ये जो दूरी है B और N, ये दूरी क्या है, y2, BN, यह दूरी क्या है, y2। यहाँ तक का काम कंप्लीट। अब देखिए,
यहाँ तक का काम कंप्लीट। अब आपको पता है कि ये दूरियाँ बराबर कैसी हुई, क्योंकि आयत के आमने सामने की जो भुजाएँ होती हैं वो क्या होती हैं, हमेशा बराबर होती है। ठीक है, यहाँ तक का काम खत्म। अब आगे चलते हैं तो क्या होता है, आपके पास एक त्रिभुज दिख रहा है आगे, आपको त्रिभुज है ए बी सी। त्रिभुज क्या है आपका, ए बी सी। ए बी सी में क्या है, आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है। क्या दिख रहा है, समकोण त्रिभुज ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमें पता है एक प्रमेय होती है, कौन सी प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ तक का काम खत्म। इसमें कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण में, वो क्या कहलाता है, कर्ण। जो लंबवत है वह क्या कहलाती है, सॉरी लंबवत नहीं, जो यहाँ पर जो थीटा बनता है, क्या बनता है, थीटा। उस थीटा के जस्ट अपोजिट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब कहलाती है, और आधार उसके सापेक्ष जो भुजा होती है वह क्या कहलाती है, आधार। अब आप देखिए एम और एन दूरी, एम और एन दूरी कैसे आएगी, एम और एन दूरी, अब देखिए कर्ण स्क्वायर, कर्ण, कर्ण क्या है इसमें, ए बी, क्या है, ए बी का स्क्वायर बराबर। आधार क्या है इसमें, ए सी, ए सी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, बी सी, बी सी का स्क्वायर। ठीक, यहां तक का काम कंप्लीट। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए ए बी, ए बी का मान कहाँ से है, ए बी का मान तो ए बी हो गया, ए सी, ए सी कहाँ से आएगा, ए सी का मान किसके बराबर है, जस्ट एम एन के बराबर है, किसके बराबर है, जस्ट एम एन के। एम एन दूरी कैसे आएगी, जो ये ओ एन दूरी है, कौन सी, ओ एन दूरी है, उसमें से हम कौन सी दूरी घटा दें, ओ एन दूरी घटा दें, तो आपके पास क्या बचेगा, ये रिमेनिंग जो दूरी है ये बचेगी। कैसे, अब देखिए ए सी बराबर एम एन, एम एन कैसे आया, आपके पास ओ एन माइनस, ओ एन माइनस ओ एन। अब देखिए ओ एन, ओ एन क्या है, एक्स वन, ओ एन क्या है, एक्स टू, तो ये क्या हो जाएगा इसका, एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हो गई समीकरण नंबर तीन। इसी प्रकार देखते हैं कौन सी दूरी, ये हाइट वाली, बी सी कहाँ से आया, बी सी, बी सी दूरी है ये, ये दूरी कैसे आएगी आपकी, अगर इस पूरी बी एन दूरी में से सी एन दूरी को माइनस कर दें तो आपके पास क्या बचेगा, बी सी दूरी, अर्थात बी एन माइनस सी एन, ये दूरी कहाँ से आई। अब देखो बी एन, बी एन का मान कहाँ है, बी एन का मान क्या है यहाँ पर, वाई टू, और फिर सी एन, सी एन का मान क्या है यहाँ पर, वाई वन, क्या आ जाएगा इसका, वाई टू माइनस वाई वन। यहाँ तक की काम कंप्लीट। अब देखिए ये हो गई आपकी समीकरण नंबर चार। अब देखो समीकरण दो में, समीकरण नंबर दो में तीन व चार का मान रखने पर आपके पास क्या आएगा, देखो AC का मान क्या है, X2 माइनस X1, BC का मान क्या है, Y2 माइनस Y1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, AB स्क्वायर इज इक्वल टू X2 माइनस X1 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर। यहाँ तक का काम कंप्लीट। अब देखिए ए बी इधर स्क्वायर है, दोनों तरफ अंडर रूट करने पर या फिर स्क्वायर को उस तरफ ले जाने पर यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, ए बी बचेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा,
तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये आपके पास जो प्राप्त हुआ है। अब देखिए ए बी का मान आपके पास क्या आया, ए बी का मान आ गया एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ए बी क्या है, यहाँ पर देखो ए बी क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब देखिए आगे चलते हैं तो आपके पास क्या प्राप्त होता है, ए बी एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू और एक्स वन क्या है, ए और बी के निर्देशांक, वाई टू माइनस वाई वन क्या है, ए और बी के निर्देशांक। तो इससे एक सूत्र और उत्पन्न होता है, वो क्या होता है, देखिए ये क्या है आपका, ए बी के मध्य दूरी का सूत्र, ये आपके पास आ गया। अब आगे देखिए x2 माइनस x1 क्या है, b के x2 निर्देशांक a के x1 निर्देशांक का अंतराल, और y2 माइनस y1 क्या है, b के y निर्देशांक का तथा a के y1 निर्देशांक का अंतराल का स्क्वायर रूट। अभी देखिए ये आ जाएगा आपका इस प्रकार, ये क्या हुआ, x निर्देशांकों, x निर्देशांकों का अंतराल का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों का अंतराल का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक की बात खत्म। ये आपके पास क्या आ गया, दूरी सूत्र व्युत्पन्न कैसे करते हैं, एक बार दिखा रहा हूँ आप देख लेना और फिर इसे उतार लेना। हो गया, ये आपके पास था दूरी सूत्र व्युत्पन्न करना। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सबसे पहले ग्राफ बनाया, ग्राफ में ए बी जो एक रेखा है वो खींची, अब हमें ज्ञात क्या करना है, दूरी सूत्र लेके आना है, तो वह कैसे लेके आएंगे, रचना की, ये सब रचनाएं की, पी को ए से मिलाया, ए को सी से मिलाया, बी को एन से मिलाया, ए को एम से मिलाया, और ये ओ एम दूरी होगी वो क्या होगी, एक्स वन, ओ एन दूरी होगी वो क्या होगी, एक्स टू, और बी और एन के मध्य दूरी है वो क्या होगी, वाई टू, और सी और एन के मध्य दूरी क्या होगी, वाई वन, और ये दो दूरियां हैं ये आपस में बराबर हैं क्योंकि यह एक आयत का निर्माण करती हैं, तो आयत के आमने सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो देखिए पी ए ओ एम के बराबर है क्योंकि आयत के आमने सामने वाली भुजा है, तो ये क्या हो गया, एक्स वन, ठीक है। फिर है पी सी बराबर ओ एन, ये क्या होगा, एक्स टू, आयत की वही आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू। पी ओ बराबर सी एन बराबर वाई वन, ये क्या हो जाएगा आपका, y1 निर्देशांक, और bn दूरी आपके पास क्या है, y2। यहाँ तक का काम कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर एक समकोण का निर्माण हो रहा है, किसका निर्माण हो रहा है, समकोण का, समकोण का निर्माण हो रहा है, तो हमें पता है नाइन्थ क्लास में है पाइथागोरस प्रमेय, समकोण का जहाँ भी जिक्र आएगा वहाँ पर एक नाम जरूर आएगा, क्या आएगा, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये आ गई आपकी पाइथागोरस प्रमेय। अब करण क्या है इसमें, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, आधार क्या है इसमें, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर, लंब क्या है, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर, ये आपकी समीकरण नंबर दो हो गई, ठीक है, यहाँ तक का काम कंप्लीट। अब आगे देखिए ए सी बराबर एम एन, कौन सी दूरी, ए सी बराबर एम एन, आयत की आमने सामने वाली भुजाएं, तो ये क्या हो जाएगा, ओ एन माइनस ओ एम, हमें क्या करना है, ओ एन, हमें खाली कौन सी दूरी चाहिए, एम एन दूरी चाहिए, कौन सी दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए, ये दूरी कैसे आएगी, ओ एन में से क्या घटा दूं मैं, ओ एम घटा दूं, तो आपके पास क्या दूरी आ जाएगी, यह दूरी आ जाएगी, ठीक है। मतलब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये दूरी क्या होगी आपकी, एक्स टू माइनस एक्स वन दूरी होगी, यहाँ तक की बात खत्म।
अब आगे देखिए, दूसरी दूरी क्या है, बी सी। ये हो गया बी सी। बी सी कैसे आएगी, इस पूरे में से क्या कर दूं मैं, सी एन को माइनस कर दूं। सी एन का मान क्या है वाई वन, बी सी का मान क्या है वाई टू। तो ये कंप्लीट जो ये दूरी है बी सी, यह दूरी का मान क्या आ जाएगा आपके पास वाई टू माइनस वाई वन, ये आपकी हो जाएगी समीकरण नंबर चार। अब दो नंबर समीकरण में तीन और चार के जो मान आए हैं ना आपके पास, वो इसमें पुट कर दो, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, ए बी स्क्वायर बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट में ले जाओगे तो अगले वाला क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट में चले जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा। तो आपके पास ये सूत्र कौन सा प्राप्त हुआ, क्या हुआ, ए बी के मध्य दूरी का सूत्र। अब दोनों ये क्या है, निर्देशांकों का अंतराल ही तो है, निर्देशांकों का अंतराल है तो क्या है, एक्स निर्देशांकों का अंतराल। एक्स निर्देशांक कौन से, जो ये भुजा दी हुई है ना उसका जो ए है और बी है उनके जो एक्स कोऑर्डिनेट है उनका अंतराल प्लस वाई निर्देशांकों का अंतराल। यहाँ तक की बात खत्म। अब आपके पास ये दूरी सूत्र आ गया, अब इसके आते हैं कुछ उपयोग, वो देखते हैं। वीडियो पॉज करो। अब क्या आता है दूरी सूत्र के उपयोग, क्या लिखेंगे हम दूरी सूत्र के उपयोग। दूरी सूत्र के उपयोग कैसे करते हैं वो देखिए। नंबर वन, नंबर वन क्या है, पहला तो सीधा ही है, दूरी निकालना दो बिंदुओं के बीच में। चलो पहला देखते हैं आकृतियों की पहचान करना। आकृतियां कौन सी होगी, आकृतियां सबसे पहले आकृति होगी आपके पास कौन सी, त्रिभुज, चाहे वो कैसा भी त्रिभुज हो। दूसरी आकृति आपके पास कौन सी हो गई, चतुर्भुज। ठीक है, ये दो आकृतियां हैं। त्रिभुज कितने, त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, कौन सा, समकोण हो सकता है, विषम कोण हो सकता है, या समबाहु हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है। ठीक है, ये त्रिभुज हो जाएंगे। चतुर्भुज कौन से होंगे, चतुर्भुज आपके पास होंगे आयत है, वर्ग है, आयत हो गया, वर्ग हो गया, और आपके पास समलंब चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। इस प्रकार से हम इनकी क्या करेंगे, दूरी सूत्र की सहायता से इन आकृतियों की पहचान करेंगे कि जो आपके पास निर्देशांक दिए हुए हैं वो कौन से चतुर्भुज को डिनोट करते हैं, या फिर उन निर्देशांकों से मिलकर कौन सा चतुर्भुज बनता है, उसकी पहचान करना सीखेंगे। तो अभी देखना, आपके पास ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा जो कोई रेखा है आपके पास, सेकंड क्या होगा, रेखाओं के मध्य बिंदुओं को ज्ञात करना। जैसे आपके पास कोई ये रेखा दे दी, ठीक है, ये ए है, ये बी है, बीच में कोई पॉइंट दे दिया आपके पास सी। अब आपको कह दिया कि इसकी दूरी मान लो एक्स है, ठीक है, एक्स नहीं मान के आप मान लो ए है, ठीक है, और आपको इसके निर्देशांक दे दिए x1 और y1, इसके निर्देशांक दे दिए x2 और y2, या फिर आपके पास दे दिया कि आपको क्या दे दिया कि a और b है, इसमें मान लो कोई भी एक जो निर्देशांक है वो क्या कर दिया, इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया, मिसिंग कर दिया, कि अब पता लगाओ आपके पास दूरी दे रखी है, आपके पास x और y कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो आपके पास जो एक कोऑर्डिनेट नहीं है उसका मान क्या होगा। इस दूरी सूत्र की सहायता से हमें यह मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं, वापस उसी टॉपिक पर आते हैं, कहाँ से आकृतियों की पहचान करना। चलो सबसे पहले हम करते हैं त्रिभुज के लिए, देखो त्रिभुज के लिए, त्रिभुज में हम सबसे पहले लेंगे समकोण, क्या लेंगे, समकोण। समकोण त्रिभुज से अगर किसी आकृति की पहचान करनी हो कि यह त्रिभुज है या नहीं,
उसमें आपको क्या करना है, आपके पास क्या दी हुई होंगी, तीन दूरियां दी हुई होंगी, ठीक है। जैसे मान लो एक दूरी है ए बी, दूसरी है बी सी और तीसरी है सी ए। अब इनसे अगर आपको दूरी दे दे तो आपको पहचान करनी है कि ये दो तीनों दूरियां त्रिभुज की है या नहीं। वो कैसे पता लगाएंगे, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों ही पॉइंट हों वो एक जगह ही हों, ठीक है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि यह त्रिभुज का निर्माण न करते हों, लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे, इसके लिए आपके पास एक रूल होता है, वो देखिए क्या है। जैसे किन्हीं दो भुजाओं का योग क्या होता है, हमेशा तीसरी भुजा के क्या होगा, तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा। या फिर किन्हीं दो भुजाओं का माइनस क्या होगा, तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होगा। त्रिभुज के लिए ये क्या होती है, कंडीशन लागू होती है। ओके, समकोण के लिए, समकोण के लिए क्या आएगा, आपके पास तीन निर्देशांक दिए होंगे। जैसे मान लो क्या दिया, x1 y1, ठीक है। दूसरा निर्देशांक क्या हुआ, a का तो मान लो x1 y1 और b का x2 और y2, दो चीज़ें। तीसरा x3 और y3, आपके पास ये तीनों निर्देशांक दे दिए। अब आपको पता लगाना है कि, आपको पता नहीं है कि क्या ये समकोण के त्रिभुज हैं, हम क्या करेंगे, इन तीनों दूरियों को क्या करेंगे, निकालेंगे। इन तीनों के भी आपस में दूरी निकालेंगे, पहला कौन सा निकालेंगे, ए और बी के, दूसरा क्या निकालेंगे, बी और सी के, तीसरा क्या निकालेंगे, ए और सी के। इन तीनों के मध्य क्या निकालेंगे, पहला तो निकाला हमने ए बी, दूसरा निकाला हमने बी सी और तीसरा निकाला हमने ए सी। ये तीनों निकाल दिए ना, इसके बाद आपका क्या प्राप्त होगा, ये तीनों दूरियां प्राप्त होगी। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि यह त्रिभुज के, ये क्या होंगे, त्रिभुज के निर्देशांक है या, सॉरी, त्रिभुज की जो दूरियां हैं वह त्रिभुज दूरियां है या नहीं। अगर नहीं होंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए सी प्लस बी सी, ये क्या होना चाहिए, इससे ए बी से ज़्यादा, या फिर किन्हीं भी दो भुजाओं का योग क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो आपके पास क्या चीज़ प्राप्त होगी कि यह त्रिभुज के निर्देशांक तो हैं। अब समकोण के लिए हमें कैसे पता चलेगी ये समकोण त्रिभुज है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, मेन फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय देखिए, पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे इसमें, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय अगर लागू होती है तो ये क्या होंगे, समकोण त्रिभुज के चिन्ह होंगे, बाकी त्रिभुज के चिन्ह नहीं होंगे। अब देखिए दूसरी बात आती है, कौन सी, समद्विबाहु, ज़्यादातर यही पूछते हैं, समद्विबाहु। अब समद्विबाहु में क्या होता है, समद्विबाहु मतलब क्या हुआ आपके पास, सम द्विबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई ना कोई दो भुजाएं क्या हों, बराबर हों, एकदम बराबर हों। मतलब कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, तीसरी भुजाएं कितनी लंबी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो भुजाएं तो क्या होनी चाहिए, कम से कम बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करेगा। अब देखिए समद्विबाहु का पता कैसे लगाते हैं, समद्विबाहु में क्या होता है, बात करते हैं समद्विबाहु। आपके पास समद्विबाहु देख रहे थे हम, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती है। मतलब आपके पास ए कोऑर्डिनेट दे रखा है क्या, x1 y1, और बी कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, x2 y2, सी कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, x3 और y3। अब आपके पास क्या निकालना है, ए बी दूरी निकालनी है, फिर क्या निकालना है, बी सी दूरी निकालनी है, फिर क्या निकालना है, ए सी दूरी निकालनी है। आपके पास तीन दूरियां होंगी, तीन दूरियों में आप क्या करोगे, अगर दो दूरियां, जैसे मान लो ए बी क्या आ गया, बी सी के बराबर, और नहीं है बराबर किसके, ए सी के, ये कंडीशन आ गई, कौन सी, ये कंडीशन आ गई, तो वह निर्देशांक क्या होंगे, समद्विबाहु
त्रिभुज के क्या होंगे, निर्देशांक होंगे। ठीक है, समद्विबाहु द्विबाहु का काम कंप्लीट आपका। अब आगे देखिए, फिर आता है समबाहु। क्या आता है? समबाहु, समबाहु नाम से ही पता चल रहा है क्या? समबाहु मतलब समान भुजा वाला, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। जैसे आपके पास वही तीनों पॉइंट दे रखे हैं, x1 y1 का स्क्वायर और दूसरी है b, x2 y2, तीसरी है c, x3 y3। अब आपके पास ये दोनों दूरियां निकालेंगे AB, फिर निकालेंगे BC और फिर निकालेंगे AC। अगर क्या हो जाए, AB बराबर BC बराबर AC, ये तीनों दूरियां क्या आ जाएं आपकी, बराबर आ जाएं। ठीक है, अगर ये दूरियां बराबर आ गई तो ये जो निर्देशांक हैं, कौन से, ये वाले, ये क्या होंगे आपके, समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक होंगे। यहाँ तक की बात खत्म। अब हम कल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चतुर्भुज जो आकृतियाँ होती है ना, उनकी पहचान करना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।